हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसने कई आम इंसान को भी स्टार बना दिया। ऐसे में टिकटॉक लोगों के लिए बड़ी कमाई का जरिया भी बना। तो चलिए आज आपको बताते हैं टॉप टिकटॉक स्टार्स और इनकी हैरान करने वाली इनकम के बारे में। लेकिन इससे पहले जानते हैं टिकटॉक से स्टार्स कैसे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि टिकटॉक पर फेमस होने के बाद कई ब्रांड्स के प्रमोशन के ऑफर मिलने लगते हैं, जो टिकटॉकर्स को प्रमोशन के लिए मोटी रकम देते हैं। इसके साथ ही फेमस होने के बाद इन्हें म्यूजिक वीडियोस भी मिलने लगते हैं और कई इवेंट्स पर भी बुलाया जाता है, जहाँ से भी इनको अच्छी कमाई हो जाती है। इसके अलावा टिकटॉक की पॉपुलैरिटी का फायदा इन्हें इनके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मिलता है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि, और ऐसे में वहाँ भी ये काफी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं और काफी अच्छी कमाई करने लगते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं भारत के टॉप 10 टिकटॉकर्स और उनकी कमाई के बारे में। हालांकि अब इनके हाथ से टिकटॉक चला गया है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है। नंबर 10। दोस्तों, नंबर 10 की बात करें तो टिकटॉक पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और कमाने वाले स्टार्स में सनी कालरा, समीक्षा सूद, प्रियंका मोंगिया और जितेंद्र पाल जैसे कई बड़े नाम हैं, जिनके टिकटॉक पर मिलियंस फॉलोअर्स थे और ये लोग हर महीने 50,000 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। नंबर 9, निशा गुरगेन। दोस्तों, सबसे पॉपुलर टिकटॉक स्टार्स में से एक नाम है निशा गुरगेन, जिनके टिकटॉक पर करीब 28 मिलियन फॉलोअर्स थे और ऐसे में ये अपने इवेंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट से हर महीने करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर लेती हैं। नंबर 8, बाबा जैक्सन। दोस्तों, बाबा जैक्सन के नाम से फेमस जोधपुर के स्ट्रीट डांसर युवराज सिंह परिहार को टिकटॉक ने रातों रात स्टार बना दिया। इनके डांस को अमिताभ बच्चन तक ने काफी पसंद किया और पिछले दिनों फ्लिपकार्ट के एंटरटेनर नंबर 1 शो में इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता, जिसमें इन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। साथ ही ये अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी काफी मोटी कमाई करने लगे हैं। नंबर 7, मंजुल खट्टर। दोस्तों, मंजुल खट्टर भी सबसे पॉपुलर टिकटॉकर्स में से एक हैं। टिकटॉक पर इनकी करीब 13 मिलियन फैन फॉलोइंग थी और रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी एक महीने की कमाई करीब 5 लाख रुपए है। नंबर 6, गीमा आशी। दोस्तों, टिकटॉक की सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक गीमा आशी, जिनका रियल नेम है गरिमा चौरसिया, इनके टिकटॉक पर करीब 21.2 मिलियन फॉलोअर्स थे और इनकी इसी पॉपुलैरिटी के चलते रिपोर्ट्स के अनुसार ये करीब 6 लाख रुपए पर मंथ कमाती हैं। नंबर 5, अवेज दरबार। दोस्तों, डांसर कोरियोग्राफर अवेज दरबार टिकटॉक पर भी काफी फेमस हैं। इनके टिकटॉक पर 25.8 मिलियन फॉलोअर्स थे और रिपोर्ट्स के अनुसार अवेज एक महीने में 14 लाख रुपए के करीब कमाते हैं। नंबर 4, अवनीत कौर। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर भी टिकटॉक पर काफी एक्टिव थी। इनके टिकटॉक पर 22.3 मिलियन फॉलोअर्स थे और इनकी एक महीने की इनकम करीब 16 लाख रुपए बताई जाती है। नंबर 3, मिस्टर फैजू। दोस्तों, टिकटॉक सुपरस्टार मिस्टर फैजू उर्फ फैजल शेख आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मिस्टर फैजू के टिकटॉक पर 31.6 मिलियन फॉलोअर्स थे और ऋतिक जैसे बड़े स्टार्स भी इनसे मूवी प्रमोशन करवाने पहुंचते हैं। ऐसे में बताया जाता है कि फैजल शेख हर महीने करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं। नंबर 2, जन्नत जुबैर रहमानी। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर रहमानी भी टिकटॉक सहित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी फेमस हैं। इनके टिकटॉक पर करीब 28 मिलियन फॉलोअर्स थे और इनकी कमाई की बात करें तो ये एक महीने में करीब 20 लाख रुपए तक की कमाई कर लेती हैं। नंबर 1, रियाज अली। दोस्तों, अब अगर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स और कमाई करने वाले इंडियन टिकटॉक स्टार की बात करें तो वो हैं रियाज अली। रियाज के टिकटॉक पर सबसे ज्यादा करीब 43 मिलियन फॉलोअर्स थे और कहा जाता है कि रियाज इवेंट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट आदि से महीने में करीब 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरी क्लब फैमिली में जुड़ें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।